नमस्कार, सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके आजू। खबरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। कॉलेज में बांटे गए स्मार्टफोनों में मिल रही हैं गड़बड़ी की शिकायतें। दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों में आई भारी गिरावट, घंटों लाइन में खड़े रहे ग्राहक। गेहूं खरीदी में किसानों की व्यवस्थाओं के लिए रखा जाएगा विशेष ध्यान, कलेक्टर रमेश भंडारी ने दिए निर्देश। नो एंट्री बंद होने के कारण होने लगे हैं सड़क हादसे, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, रिफर होने के दौरान हुई मौत। सुर्खियों के बाद आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए स्मार्टफोन की सौगात शासन के द्वारा दी जा रही है, लेकिन कहां तक ये स्मार्टफोन उनके लिए सही साबित हो रहे हैं, जैसे ही जब इस संबंध में यहां पर पढ़ने वाले छात्रों से बात की गई तो उनका कहना था कि जो स्मार्टफोन उन्हें दिए जा रहे हैं वो हैंग करते हैं, गुणवत्ता युक्त नहीं है। कई छात्रों ने तो ये भी बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी स्मार्टफोन उन्हें नहीं मिले हैं। एक बड़ा सवाल या निशान ये खड़ा होता है कि अगर शासन द्वारा जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं वो किस तरीके की गुणवत्ता के हैं। इस संबंध में जानकारी ली गई तो कंपनी का भी पता नहीं है कि किस कंपनी के द्वारा ये स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। पहले लावा के फ़ोन वितरित किए गए थे, अब फोर स्टार के फ़ोन वितरित किए जा रहे हैं। फोर स्टार के फ़ोन में काफ़ी खामियाँ पाई जा रही हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता लोकेश चौरसिया बने हुए हैं जो आप तक ज़्यादा जानकारी पहुँचा रहे हैं। कॉलेज में प्रथम वर्ष प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे स्मार्टफोन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जो कि फोर स्टार कंपनी के छतरपुर में दिए जा रहे हैं, जो कि मेडल चाइना के हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि पहले उन्हें लावा के मोबाइल दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार से यहाँ पे फोर स्टार कंपनी के मोबाइल दिए जा रहे हैं। मेडल चाइना होने की वजह से इसका हैंग होना सबसे बड़ी समस्या निकल कर आया है। इसके अलावा बैटरी बैकअप बहुत कम है, जिस कारण से यहाँ पे छात्र छात्राएं उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जब वितरण होता है तो उस समय कॉलेज के छात्र छात्राओं को जिम्मेदारी दे दी जाती है। कंपनी की तरफ से कौन है, किसकी कंपनी है, यह अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। उधर इस मामले को लेकर छात्र छात्राओं का कहना है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आईडी लेकर आए हैं, बावजूद उनको यहाँ पे मोबाइल नहीं दिए गए हैं। कई प्रकार के अनियमितता हैं। इधर अब प्रशासन को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे, साथ ही इस पर ध्यान भी दिया जाए। महाराजा कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्टेडियम से अभी तो मिला है तो मैंने चलाया नहीं। क्या इस क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद चलाइए तो मालूम चलेगा। हाँ, थोड़ा हैंग करता है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। पर लावा कंपनी मिले है इससे पहले, फोर स्टार का वैसे सेट तो अच्छा है पर तो चलाने में थोड़ा हैंग करता है। जी सर, मैं बारकोड भी कॉलेज से मिल गया था और अभी यहाँ पर लेने के लिए आया छतरपुर में, तो अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गए हैं और मेरे को कॉलेज से बारकोड भी मिल गया है, तो यहाँ पर आए तो अभी मिला नहीं है। अब आज लास्ट डेट है यहाँ की, अब आगे पता नहीं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो ख़त्म ही बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गए हैं। लाइव रिपोर्ट की इस खबर पर नज़र डालते हैं। प्रदूषण के संबंध में कोर्ट का एक निर्देश जारी हुआ है, जिस संबंध में बाजार में बिकने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों के दामों में एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। जैसे ही ग्राहकों को पता चला तो ग्राहकों ने एजेंसियों की तरफ रुख करना अख्तियार कर लिया। गुरुवार के दिन रात्रि 12 बजे तक ग्राहक यहाँ पर खड़े रहे, वहीं अगले दिन भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी गई। सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे तो हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा था, स्कूटर सेगमेंट पे चल रहा था 12,500 रुपये, ठीक है, एक्स रो प्राइस पे स्कूटर सेगमेंट, जैसे कि मेस्ट्रो है और डोई, दो हमारे पास मॉडल थे। तीसरा हमारे पास था ग्लैमर,
ग्लैमर पे चल रहा था 7500 रुपये का रिश्ता। फिर चौथी गाड़ी थी हमारे पास जेडमआर, करिश्मा जेडमआर, उसको चल रहा था 7500। हाँ, सारी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, करिश्मा जेडमआर हमारे पास अभी एक है जो एमएल है। के लिए ऐसा कि जो हमने आज गाड़ी सेल करी हुई है उनका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का टैक्स फीस दोनों चीज़ मैंने काट के रख ली हुई है और कल मैं मॉर्निंग हेल्प पहुँचा रहा हूँ। बाइक बिक रही है लेकिन गाड़ी है नहीं है, कह दिया कि इतने कम में उतने कम में गाड़ी बेच रहे हैं लेकिन गाड़ी एक भी नहीं है वहाँ पे, गाड़ी सब बिक गई है। कल रात में 10 बजे तक बेची इनने गाड़ी, हेलो, आज एक भी गाड़ी नहीं है। उधर बजाज की एजेंसी में उधर फिर मची है, होंडा के में पूरे लेके गए शोरूम बंद है, काहे के लिए कम कर दिए पैसे कम कर दिए और एक भी गाड़ी नहीं है। आदमी फिर मचाया है, पूरे रोड पे जाम लगे हैं, हर तरह की मतलब जो भी छूट वैरायटी के हिसाब से चलता है, जैसे जैसी गाड़ियाँ हैं, जैसे PS3 में छूट चल रही है, PS3 गाड़ी वैसे बची नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। उन गाड़ियों में कंबर जैसे कलर के लिए कह रहा है, कलर गाड़ियाँ कह रहा है, तो उसके लिए कलर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। वो कह रहा PS3 चाहिए, PS3 गाड़ी अपने पास है नहीं, ये दिक्कत। सरकार द्वारा BS3 मोटरसाइकिलों पर रोक लगा दी गई है, अब सड़क पर BS3 की जगह BS4 मोटरसाइकिलें दौड़ती नजर आएंगी। सरकार द्वारा BS3 मोटरसाइकिलों पर रोक लगाने के बाद BS4 मोटरसाइकिलें सड़क पर दौड़ती नजर आएंगी। सरकार के इस फैसले के बाद शहर की हर एक एजेंसी में भारी भीड़ देखने को मिली, लोगों द्वारा BS3 मोटरसाइकिल की जमकर खरीदारी की गई। ज्यादा प्रदूषण होने के कारण सरकार ने BS3 की जगह BS4 मोटरसाइकिलों का फरमान जारी किया है। प्रदूषण के कारण सरकार ने इन बाइकों पर रोक लगाई है, अब जल्दी BS4 मोटरसाइकिलें लोगों को उपलब्ध की जाएंगी। लाइव रिपोर्टर के लिए अजय यादव की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो की इस खबर पर नजर डालते हैं। अधिकतर गेहूं खरीदी के मामले में अक्सर अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। पिछले रोज भी जब गेहूं खरीदी हुई थी तो दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस संबंध में जिला कलेक्टर रमेश भंडारी से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना है कि इस बार विशेष ध्यान रखा गया है, एक प्लान बनाया गया है जिसके अंतर्गत गेहूं खरीदी की जाएगी, ये दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, यहां पर किसान जो पहुंचे उन्हें ठंडा पानी मिल सके, भोजन भी मिल सके, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। गेहूँ खरीदी के लिए सागर विभाग द्वारा कई नवाचार किए गए हैं, उनमें एक तो किसानों को पीले चावल बांट कर बुलाया जाना, नंबर दो सेंटर पर पत्रिका रखी जाना, ठंडा पानी की व्यवस्था होना, छाया की व्यवस्था होना, और इस प्रकार से यदि किसान वहाँ पर आता है तो वहाँ पर आसपास कुछ खाने की खान पान की व्यवस्था भी वो अपने पेमेंट करके अपना खा पी सके। इस प्रकार से हमने कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश की है कि यदि किसान हमारे आए गेहूँ बेचते हैं तो वो गेहूँ बिक्री के साथ साथ अपने आराम से अपनी ज़िंदगी में वहाँ बसर कर सके, जितने और होता है। नहीं, फसल तो अच्छी है और किसान अब उसके जो बाजार दर क्या रहती है उसके ऊपर बात करें, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे गेहूँ ना बिके और जो गेहूँ समर्थन मूल्य पर आता है वो गेहूँ हम खरीदें। हमारा अभी प्रारंभिक अनुमान लगभग 2 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन यदि इससे ज़्यादा भी गेहूँ हमारे पास आया तो हमारी खरीदने की पूर्ण व्यवस्था है। गुरुवार की रात बुंदेलखंड कैरेज के समीप एक बड़ा सड़क हादसा देखने के लिए मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक से जा रहे एक युवक को रौंद दिया, इसके बाद युवक घायल हो गया जिसे इलाज के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने रेफर कर दिया और रेफर के दौरान उसकी मौत हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिमांशु अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था, जब वह अपने घर जा रहा था तभी ट्रक ने उसे रौंद दिया। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है, वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। ये शाम को बुंदेलखंड गैरेज के सामने एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर जो पीछे बैठा था हिमांशु सोनी उसके गंभीर अवस्था में घायल हुआ था, जिसको उपचार हेतु झांसी भेजा गया, रास्ते में मौरानीपुर में उसकी डेथ हो गई और आज उसे PM कराकर लाश उनको सुपुर्द कर दी गई। शहर के स्कूल क्रमांक 1 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्कूल क्रमांक 1 में तारा मंडल बनाया जा रहा है, आगामी दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ के
प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि तारामंडल अभी तक बच्चों को पढ़ाया जाता था, अब बच्चे देख भी सकेंगे ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी एक छोटी मशीन लगाई गई है, आगामी दिनों में उम्मीद है कि यहाँ का विस्तार होगा और अच्छी मशीनें यहाँ पर लगाई जाएंगी। बच्चों को तो इस तारामंडल से बहुत अधिक फायदे हैं, जो बच्चे या नागरिक तारे के बारे में केवल जानकारी रखते थे वह प्रत्यक्ष दिखाया जाएगा और शासन ने भी चाहा तो ये देखने वाली प्रक्रिया बहुत जल्दी लागू होगी। अभी उसमें मशीन काफ़ी छोटी है जिसके रेंज कम होने के कारण उतनी सुविधा नहीं है, परंतु रेंज जैसी ही मशीन के बढ़ जाएगी, बड़ी मशीन आ जाएगी तो नगर की जनता को काफ़ी लाभ होगा उससे। शौचालय निर्माण से जुड़ी हुई खबर पर हम नज़र डालने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिले में शौचालय निर्माण का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। संबंधित लोग भी एक प्राइवेट एजेंसी का सहारा लेकर शौचालय निर्माण करवा सकते हैं, जिसका बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर रमेश भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्र व्यक्तियों को पहले प्रथम स्थान की सूची में रखा जाएगा, उनके शौचालय निर्माण करवाए जाएंगे। बैंक से पूरा टाई अप है, अगर व्यक्ति शौचालय निर्माण करवाता है, उसकी फ़ोटो भेजता है, पूरे दस्तावेज तैयार करता है तो बैंक से भी उनका भुगतान कर दिया जाएगा। कलेक्टर रमेश भंडारी ने यह भी बताया कि आगामी दिनों में जो अभी लक्ष्य शासन के द्वारा दिया जाएगा उसको प्रशासन पूरा करने का प्रयास करेगा। बता दें कि हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, जितने पात्र लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनके शौचालय निर्माण कराए गए, हम लोगों ने 2300 से दिशा बढ़े हैं। ये सच है कि हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन जो सरकार द्वारा हमारी परफॉर्मेंस देखते हुए मार्च माह का 6000 सुधरने का लक्ष्य रखा गया था, हम लगभग उसको टच कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अगली बार से जो भी लक्ष्य हमें दिया जाएगा प्रत्येक महीने का, उससे हम ज़्यादा काम करने का प्रयत्न करेंगे। भुगतान तो हमारा FTO से होता है, शौचालय बन जाता है उसका, GOTAG होता है, फ़ोटो खींचता है, फ़ोटो लगता है और फिर उसको हम बैंक के माध्यम से भुगतान कराते हैं। तो वो हमारी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, थोड़ा एक आध दो दिन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पात्र व्यक्ति को जिसने शौचालय बना उसके भुगतान। आगामी 5 अप्रैल को भव्य राम जन्म उत्सव मनाया जाना है, जिसकी तैयारियां पूरे शहर में देखी जा रही हैं। वहीं राम भक्त सुबह से ही प्रभात फेरी निकालकर लोगों को इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। इस संबंध में गिरिजा पाटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 5वें दिन ये भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के अनेक स्थानों पर घूमते हुए लोगों को आमंत्रण दिया और साथ ही लगातार इस तरह की प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जगह जगह प्रभात फेरी का स्वागत भी किया जा रहा है। 4 दिन से ये प्रभात फेरी बराबर निकल रही है, आज 5वां दिन था और ये प्रभात फेरी रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा है। तो ये सभी राम भक्त घर घर आमंत्रण देने की नींव निकलते हैं, वो इसलिए कि 5 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ऐतिहासिक शोभा यात्रा नगर में निकाली जानी है और इसे दूर आमंत्रण देने के लिए ये सभी राम भक्त निकलते हैं। और इस वर्ष कुछ अलग ही रामनवमी में आप सभी को देखने मिलेगा। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के द्वारा कलेक्टर को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि नारायणपुरा इलाके में जो शराब की दुकानें खोली जाना है उसका विरोध भय कर रहे हैं, अगर शराब की दुकान वहां पर पहुंच जाती है तो वहां का माहौल बिगड़ जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय मुस्लिम सभा के अध्यक्ष निसार खान ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वहाँ पर शराब की दुकान ना खोली जाए। आज हमने शराबबंदी को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है, जिससे नारायणपुरा रोड पर एक दारू का ठेका खुलने जा रहा है, जिससे सभी समाज के लोगों को परेशानी हो रही है और वहाँ पे मंदिर मस्जिद आस्था के केंद्र हैं जहाँ पे हैं, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम कलेक्टर साहब महोदय के पास आए हैं कि वहाँ पे तत्काल उस पर कार्रवाई करें और वहाँ से हटा के कहीं और कर दें, क्योंकि इससे माँ बहनों को बड़ी परेशानी हो रही है और सब समाज के तबके के लोगों को परेशानी हो रही है। शहर के सागर रोड पर स्थित खेल ग्राम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं समाजसेवी आगलोक चतुर्वेदी के नेतृत्व में श्री राम सेवा समिति की एक बैठक का आयोजन रखा गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में जो श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाना है, तो शोभा यात्रा जो निकाली जानी है उसको कैसे और भव्य बनाया जा सके। इस संबंध में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलोक चतुर्वेदी का कहना था कि वे पूरा प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। श्री राम सेवा यात्रा जो निकाली जानी है वो एक इतिहास कायम करेंगी। श्री राम सेवा समिति के सभी सदस्यों के द्वारा खेल ग्राम में आज बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 5 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकलनी है उसके विषय में सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ पर चर्चा की गई और उस चर्चा में
कि इस शोभा यात्रा को कैसे भव्यता दी जाए, कैसे इसे और लोगों को इसमें जोड़ा जाए और अधिक से अधिक भव्य शोभा यात्रा को बनाया जाए, इस विषय पर यहाँ पर चर्चा हुई। माधुआ के पास एक सड़क हादसा सामने आया है जिसमें पिकअप और ऑटो वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। 108 की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। मलहरा से छतरपुर आ रहे थे तो माताकुआ में मस्जिद के पास हमारी ऑटो थी लोडर, तो पिकअप वाले ने आगे से मार दी। हमने पुलिस को रिपोर्ट दी तो पुलिस ने हमारी रिपोर्ट सुनी नहीं और पुलिस वाले आपसी में लड़ते रहे तो हमको पूछा नहीं। फिर हमारे साथियों ने एम्बुलेंस को रात में बुलाया तो वो हमको रात में छतरपुर लाए, तो छतरपुर में हम डॉक्टरों ने हमारी कोई देख रेख नहीं की। कलेक्ट्रेट में पदस्थ रहे 4 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई है। इस मौके पर कलेक्टर रमेश भंडारी, एसडीएम डीपी द्विवेदी सहित एडीएम गंगेले यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर कर्मचारी संघ के द्वारा उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन भी किया गया और कहा गया कि जितने दिन भी उनका कार्यकाल यहाँ पर रहा है वह काफ़ी अच्छा रहा है। सेवानिवृत्ति तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को ऐसे ही लेना चाहिए, जैसे बचपन आता है, फिर शादी होती है, फिर शादी की सेवा में आ गए, फिर यहाँ बिता दे, फिर परिवार में चले जाए। उसमें बहुत ज़्यादा ना चिंता का विषय होता है, क्योंकि यही होता है कि हम अच्छी तरह से इसके बाद जो उम्र का दौर है जिसमें बहुत सारी स्वास्थ्यगत परेशानियाँ पानी परेशानियाँ आती है उनको अच्छी तरह से निभा सके। कार्यपालिकारी के पद पर काम किया है और जैसा खान साहब ने बोला, मेरा मानना भी यही है कि कभी बिल्कुल साफ सुथरी नौकरी करना चाहिए। मेरे पीरियड में भी मुझे ना ही कोई नोटिस, ना ही कोई इंक्वायरी, ना ही कोई जांच, मेरे साथ भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से निकली है। इस वर्ष जरूर योजनाओं के टारगेट मेरे कुछ थोड़े से विफल रहे हैं, पर साहब की नाराजगी का भी सामना मुझे करना पड़ा है, उसके रीजन कही रहे हैं, मेरी भी गलती है और कुछ कारण दूसरे भी रहे हैं। आज हमारे कलेक्ट्रेट परिवार की ओर से आदरणीय जैन साहब जिला अंतरिक्षाधिकारी, आदरणीय फजल रहमान खान साहब एडीएम के लीडर महोदय, आदरणीय शिव कुमार जी रेखवार एनआईसी में और आदरणीय हरिदास रेखवार जी जो है अर्धवार्षिकी पूर्ण करने के पश्चात कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में विदाई का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिवार की ओर से विदा ले रहे हमारे कर्मचारियों को, आगे के जीवन सुखमय व्यतीत हो इस शुभकामनाओं के साथ हमने जो है विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के लिए सिटी बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। कॉलेज में बांटे गए स्मार्टफोनों में मिल रही हैं गड़बड़ी की शिकायतें। दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों में आई भारी गिरावट, घंटों लाइन में खड़े रहे ग्राहक। गेहूं खरीदी में किसानों की व्यवस्थाओं के लिए रखा जाएगा विशेष ध्यान, कलेक्टर रमेश भंडारी ने दिए निर्देश। नो एंट्री बंद होने के कारण होने लगे हैं सड़क हादसे, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, रिफर होने के दौरान हुई मौत।